हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे आया था, मुझे लगा ये जो जगह आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, चैनल में आगे इस वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको ये जगह बताने वाला हूँ, जगह बहुत ही खूबसूरत है और आप देख सकते हैं जम्मू के इसमें ये जगह आपको मिलेगी। इस जगह का शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा या कुछ लोगों को पता भी होगा, बट आपको बता दूँ ये जो जगह है गाइस, ये जगह हमारे जो जिसको बोलते हैं बठिंडी हाइट, मतलब कि जहाँ पे बठिंडी की जो सफ़ा वैली है वहाँ से जो अपना बड़ा मदरसा है वहाँ से सीधा आपको ऊपर आके एक राइट टर्न आएगा, दारुल उलूम का एक बोर्ड है वहाँ से आपको ऊपर आना है। तो गाइस जम्मू में ही है ये जगह। तो गाइस इस जगह को आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा जगह है, बिल्कुल नियर बाई है गाइस, और आपको ये पूरा फील करवाएगा जैसे आप बहुत दूर निकल आए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारी। मतलब ये शिवालिक माउंटेन में ही आपको मिलेगी ये जगह, तो शिवालिक्स में ही है ये जगह, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही इंजॉयबल यहाँ पे थिंग्स आपको मिलेंगी, जैसे पहाड़ हैं और थोड़ा सा ट्रेन भी है यहाँ पे। लैंडस्केप आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, मैंने अभी आपको दिखाया, चलो मैं अभी आपको और भी दिखाता हूँ। वैसे देखें आप, गर्मियों में भी आप यहाँ पे आए, यहाँ की खूबसूरती को आप इंजॉय करें। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको स्पेशल क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पकौड़े मिल सकते हैं। बेसिकली ये जो है बर्मेनी गांव है, देखना, बेसिकली ये जो है बर्मेनी गांव है, बर्मेनी गांव में गांव ही बोलेंगे हम इसको, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ही मतलब कच्चे घर बने हुए हैं। तो वैसे अभी यहाँ पे थोड़ी हवा भी चल रही है और सर्दी भी शुरू हो गई है, बेसिकली मौसम तो सर्दी का ही है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ आपको बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे आप दिन को आएँ, यहाँ पे खाना बनाएं, यहाँ आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा जो मैंने अपना खुद का जो चिकन यहाँ बनाया वो इसी जगह पे बनाया, खुद मैंने जो लकड़ियाँ वगैरह यहाँ से इकट्ठी करके सब यहाँ पे लाई हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक है यहाँ पे, अभी बहुत पब्लिक है यहाँ पे, और सामने मैं दिखाऊंगा कैमरा मैन को बोलूंगा, वो सामने वहाँ देखें आप एक व्यू पॉइंट भी, वहाँ पे अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो व्यू पॉइंट भी बनने वाला है, बहुत ही उमदा जगह है। वैसे यहाँ से मैं आपको शायद दिखाऊंगा, ये जो एरिया पड़ता है मानसर और बजालता वाली साइड, मेरी आप लेफ्ट साइड देखेंगे, मतलब ये बजालता बजालता और मानसर वाली साइड पड़ता है, और हम इस टाइम उस सब के हाइट पे खड़े हैं। बहुत ही उमदा जगह है, यहाँ पे विजिट करें आए, बहुत ही पास जगह है यहाँ पे, बठिंडी से हार्डली 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में आपको ये एरिया मिलेगा। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ से घूम के ही रास्ता सुजमा को भी जाता है। तो और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप साइकिलिंग पे आ सकते हैं, ट्रैकिंग पे आ सकते हैं फैमिली के साथ में,
हमने यहाँ पे आग जलाई है, मैं बोलूँगा कैमरा मैन को, वो देखें यहाँ पे वो जगह जहाँ पे हमने आग जलाई थी, यही वो जगह है, यहाँ पे हमने खाना बनाया है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो चलिए मैं कैमरा मैन को बोलूँगा मेरे आगे आएंगे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और भी कुछ यहाँ पे। एक बात बता दूं, यहाँ पे जब आप आए थोड़ा आराम से आए, क्योंकि ये जो जगह है थोड़ी स्लिपरी भी है, तो ये ना हो कहीं आप चलते चलते यहाँ गिर जाएं। बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही मजेदार जगह है। चलिए अब बाकी आपको दिखाते हैं। गाइस ये जो रोड है, गाड़ी आपको यहाँ तक आएगी और इसके आगे आपको पैदल ही आना पड़ेगा। यहाँ पे आप खाना बना सकते हैं इस जगह में। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो लास्ट वीडियो हमने देखा होगा खाना जो हमारा यहाँ बना था, और शकील साहब ने आज फिर भी दोबारा खाना बनाया। मैं बता दूँ यहाँ तक गाड़ी आती है, और देखो कितनी उम्दा आग जलाई है हमने यहाँ पे। एक्चुअली मेरा व्लॉग देख के उन्होंने मुझे फोर्स किया कि वहीं चलो, वहीं खाना बनेगा, वहीं पे जाके हम खाएंगे। कहाँ गए थे, क्या है वहाँ पे? लेकिन वो घास काटने की मशीन थी, घास काटने वाली। गाइस इस जगह का ये जो है एंड है यहाँ पे, बस ये लास्ट पॉइंट है टॉप यहाँ पे, इससे आगे रोड नहीं है। इसके इस साइड भी यार, यहाँ पे आपको चाय पकौड़े गरम गरम मिल सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ,